नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन राजधानी लाइव में। तो बात सबसे पहले राजधानी दिल्ली की करेंगे, जहां पर भारत और मध्य एशियाई देशों की तीसरी वार्ता 19 दिसंबर यानी आज नई दिल्ली में होगी, जिसमें उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के विदेश मंत्री हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को ये जानकारी दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने साप्ताहिक प्रेस वार्ता में कहा कि इस वार्ता में दोनों पक्षों के बीच कारोबार, संपर्क और विकास सहयोग को और मजबूत करने को लेकर चर्चा होगी। साथ ही आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार का आदान प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के विदेश मंत्रियों का संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करने का भी कार्यक्रम है। उन्होंने बताया कि भारत और मध्य एशियाई देशों की तीसरी बैठक 18 से 20 दिसंबर तक होगी, जिसमें इन पांचों देशों के विदेश मंत्री हिस्सा लेंगे। गौरतलब हो कि भारत और मध्य एशियाई देशों की दूसरी बैठक अक्टूबर 2020 में डिजिटल माध्यम से हुई थी। प्रवक्ता ने बताया कि भारत मध्य एशिया को विस्तारित पड़ोस मानता है और इन देशों के साथ संबंध को मजबूत बनाने को प्रतिबद्ध है। बागची ने कहा कि भारत और ताजिकिस्तान के बीच द्विपक्षीय बैठक में हिस्सा लेने के लिए वहां के विदेश मंत्री शहरिज़ुद्दीन मुरुद्दीन 18 से 20 दिसंबर तक भारत के आधिकारिक दौरे पर भी रहे हैं। इसमें दोनों देश आपसी हितों से जुड़े द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया जाएगा और अपने सामरिक संबंधों को प्रगाढ़ बनाने पर विचार होगा। उन्होंने बताया कि शिराजुद्दीन की विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ 18 दिसंबर को बैठक भी होगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, फिलहाल आज विदेश मंत्रालय की बैठक होने जा रही है, काफी अहम ये बैठक है, क्या कुछ इसके लिए जानकारी? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें विदेश, कह सकते हैं मध्य एशिया की बात करें तो लगातार कहने की भारत के संबंध जो है मधुर होते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार कहीं ना कहीं 3 दिवसीय बैठक भी की जाएगी, जिसके अंदर कह सकते हैं मध्य एशिया के जो बड़े बड़े जो देश हैं वो कहीं ना कहीं भारत के साथ शामिल होंगे, उनके प्रवक्ता शामिल होंगे। मगर लगातार कहीं ना कहीं कह सकते हैं उज्बेकिस्तान की बात करें, तेलिगन, तुर्कमेन का स्थान की बात करें, लगातार कहीं ना कहीं, और कंजाम की बात करें तो लगातार कहीं ना कहीं मध्य एशिया के जो देश हैं उनसे कहीं ना कहीं मधुर संबंध बनाने के लिए भारत जो है वो लगातार कोशिश कर रहा है। खासतौर पर जो मुस्लिम देश हैं उनके साथ संबंध जो है वो काफी बेहतर होते नजर आ रहे हैं, चाहे वो व्यापार को लेकर नजर आ रहे हों या फिर कहें और देश और चीजों को लेकर हो, मगर लगातार कहीं ना कहीं भारत जो है कहीं ना कहीं ऊंचाई की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं सभी देशों के साथ साथ मधुर संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है, जिससे कहीं ना कहीं जो व्यापार है या फिर कहें बड़े उद्योग हैं वो कहीं ना कहीं भारत से कहीं ना कहीं बनते हुए नजर आए और कहीं ना कहीं उसका फायदा जो है भारत सरकार को भी होता हुआ नजर आया। और इसी को लेकर जो 3 दिवसीय बैठक की जा रही है 18 तारीख को भी देखने को मिली और लगातार कहीं ना कहीं आज 19 तारीख है तो आज को भी देखने को मिलेगी और 20 तारीख को ये कहीं ना कहीं बैठक भी जारी रहेगी। मगर लगातार जिन देशों के साथ साथ कहीं ना कहीं भारत के संबंध अच्छे बनते चले जा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के अंदर बहुत ज्यादा फायदा जो है भारत सरकार को होने वाला है। जी, ये जो फायदा भारत सरकार को होगा ये किस तरीके से हम देख सकते हैं, समीकरण क्या कुछ बनते हैं विदेश में इन 5 देशों के साथ अगर बैठक होती है तो? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। ये बारी बात करें मध्य एशिया की देशों की तो लगातार 5 देश जो हैं वो लगातार भारत के संबंध में हैं और लगातार पिछले कह सकते हैं 2020 के अंदर भी कहीं ना कहीं बैठकें की गई थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी की गई थी, मगर अब जब रूबरू होकर बातचीत की जाएगी तो उसका कुछ और असर निकलता हुआ नजर आएगा। मगर लगातार कहीं ना कहीं भारत जो है वो इन संबंधों से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उम्मीद लगा के बैठा हुआ और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के अंदर बहुत ज्यादा फायदा भी होता हुआ नजर आएगा। मगर कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि जो मधुर संबंध बनेंगे व्यापार के मध्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं काफी बड़ी उपलब्धि हासिल होगी वो कहीं ना कहीं भारत के लिए काफी मजबूत होगी और कहीं ना कहीं उन देशों के भी लिए भी काफी फायदेमंद होगा जहां पर कहीं ना कहीं दिक्कतें हुई थी। मगर लगातार कहीं ना कहीं मुस्लिम देशों की बात करें तो लगातार कहीं ना कहीं उनके अंदर कहीं ना कहीं भारत जो है वो अपनी पैठ बनाता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं भारत जो है आने वाले दिनों के अंदर काफी बड़ी उपलब्धि हासिल करेगा और कहीं ना कहीं व्यापार के क्षेत्र के अंदर बात करें या फिर कहें और क्षेत्रों की बात करें वहां पर संबंध जो है वो लगातार बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। जी, संबंध बेहतर होते नजर आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल आज जो बैठक होने जा रही है राजीव, इसमें जिस तरीके से बताया जा रहा है कि इन 5 देशों से अगर बैठक होगी तो व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, ये व्यापार को बढ़ावा किस तरीके से मिल सकता है ये भी विस्तार से बताएं।
देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पर बात करें जो पांचों देशों के साथ साथ आज बैठक की जाएगी और कहीं ना कहीं हर तरीके से कोशिश की जाएगी जो व्यापारी क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं काफी बड़ा मुकाम हासिल करे। मगर देखना होगा इस बैठक से कितना फायदा होता है, क्योंकि लगातार कह सकते हैं विदेश मंत्रालय जो है वो लगातार कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं बैठक से काफी उम्मीदें भी जताई जा रही हैं और पांचों देशों से कहीं ना कहीं बहुत बड़े कह सकते व्यापार की उम्मीद भी लगाई जा रही है। मगर देखना होगा कि जो व्यापार है वो किस तरीके का होगा और किस तरीके की उपलब्धि हासिल की जाएगी भारत सरकार के द्वारा। मगर विदेश मंत्रालय इसको लेकर लगातार कोशिश करता हुआ नजर आ रहा था और कहीं ना कहीं अब जब 3 दिन की बैठक है तो कहीं ना कहीं उसको लेकर लगातार प्रयास भी जारी है और लगातार कोशिशें भी जारी हैं। मगर अब देखना होगा आज की बैठक से कितना बड़ा नतीजा निकल सकता है। जी आज की बैठक से नतीजे तो काफी कुछ भी निकल सकते हैं, लेकिन तीसरी वार्ता जो है ये होने जा रही है। पहली और दूसरी वार्ता के बारे में भी बताएं, क्या कुछ उसमें खास रहा? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पर बात करें पहली और दूसरी वार्ता के लिए तो कहीं ना कहीं हर तरीके से ये कोशिश की जा रही थी कि वार्ता जो है वो कामयाब होती नजर आए। व्यापार क्षेत्र जो है वो पांचों देशों का और भारत सरकार का कहीं ना कहीं काफी मधुर होता हुआ नजर आए, वो चीज लगातार दोनों बैठकों के अंदर देखने को मिली। व्यापारी क्षेत्र की बात करें तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें या फिर कहें बड़े कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट की बात करें तो लगातार कहीं ना कहीं काफी बड़ी कहते उपलब्धि भी भारत सरकार को हासिल हुई। मगर आज की जो बैठक है वो अहम मानी जा रही है और लगातार उसके अंदर कहते भारत सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं बड़े उम्मीद जताई जा रही है और कहीं ना कहीं जो विदेश मंत्रालय है उसकी तरफ से भी काफी प्रयास जताए जा रहे हैं कि लगातार कहीं ना कहीं इन बैठकों से कहीं ना कहीं भारत सरकार को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। मगर देखना होगा पांचों देशों से भारत सरकार के साथ साथ कितने मधुर संबंध बन पाते हैं और आने वाले दिनों के अंदर कितनी बड़े मुकाम हासिल कर पाएगी भारत सरकार। जी और तमाम अहम जानकारी के लिए तो अगली खबर की ओर भी रुख कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 19 दिसंबर यानी आज पंजाब के चंडीगढ़ पहुंचेंगे। यहां वो सेक्टर 43 के दशहरा ग्राउंड में होने वाली विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और मार्च 2022 में होने जा रहे पंजाब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये सारी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अब तैयारियों में जुट गई हैं। और इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री 19 दिसंबर यानी आज पंजाब के चंडीगढ़ में पहुंचने वाले हैं और सेक्टर 43 के दशहरा ग्राउंड में होने वाली विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। इस दौरान चंडीगढ़ में 24 दिसंबर को होने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर भी केजरीवाल आप प्रत्याशियों में जोश भरने का काम करेंगे और जीत का मूल मंत्र उन्हें देंगे। उनके साथ पंजाब के प्रभारी भगवंत मान, नेता प्रतिपक्ष हरपाल सिंह चीमा और चंडीगढ़ मामलों के प्रभारी जरनैल सिंह भी शामिल होंगे। पार्टी के राष्ट्रीय और चंडीगढ़ मामलों के प्रभारी जरनैल सिंह ने बताया कि सीएम अरविंद केजरीवाल की जनसभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि जनसभा में भारी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता और लोग पहुंचेंगे और इसी को देखते हुए जरनैल सिंह और चंडीगढ़ की लीडरशिप ने गुरुवार को सेक्टर 43 स्थित दशहरा ग्राउंड पहुंची और तैयारियों का जायजा भी लिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज चंडीगढ़ पहुंचने वाले हैं जहां पर वो चुनावी हुंकार भरेंगे और विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उनके साथ कई तमाम नेता भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि जिस तरीके से चंडीगढ़ में नगर निगम के चुनाव हैं उसको लेकर आज कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे और इसी के साथ मूलमंत्र जीत का उन्हें देंगे और देखना होगा कि किस तरीके का चुनावी माहौल आज चंडीगढ़ में देखने को मिलता है। आपको बता दें कि इससे पहले पंजाब में कई बार पंजाब के दौरे पर खुद केजरीवाल रह चुके हैं और आज अब वो चंडीगढ़ के दौरे पर हैं और यहाँ पर वो जनसभा को संबोधित करेंगे। दशहरा ग्राउंड में ये जनसभा होने जा रही है जिसको वो संबोधित करेंगे और यहाँ से अपने संबोधन के बाद वो कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे और जीत का मूल मंत्र उन्हें देंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से चंडीगढ़ के दौरे पर आ चुके हैं, नगर निगम के चुनाव नजदीक है चंडीगढ़ में, उसी को लेकर चुनावी हुंकार भरने जा रहे हैं आज केजरीवाल, क्या कुछ खास जानकारी? देखिए लगातार अगर हम बात करें अपना इन्फ्लुएंस दिखाते हुए नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल की, अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी अब लोकल लेवल पे भी नजर आ रही है जहां पे पहले से उनका इन्फ्लुएंस दिल्ली दिल्ली में कहा जाता था कि देखने को मिलता है, पर अब कहीं ज्यादा भर चुका है। अब लोकल अगर हम पंजाब की बात करें चाहे चंडीगढ़ की बात करें, चंडीगढ़ के लेकर हम कह सकते हैं कि पंजाब से पहले ट्रायल के तौर पे भी देखा जा रहा है। हमने आपके नेताओं से मिलकर बात की, उनसे जानकारी की कि क्या वो चंडीगढ़ के एमसी इलेक्शन को ट्रायल के तौर पे देखते हैं, तो उन्होंने सीधा हाँ हम इसे ट्रायल के तौर पे देखते हैं,
कि कोई भी पार्टी कहीं पर भी इलेक्शन जहां हो रही है और पहले कंटेस्ट करे उसे ट्रायल के तौर पे देखते हैं। और हम चंडीगढ़ को भी वही अहमियत दे रहे हैं जो हम पंजाब को देते हैं। और इसका एक सीधा सीधा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि खुद अरविंद केजरीवाल यहाँ पर खुद को प्रमोट करने आ रहे हैं। और आपको बता दें जब चंडीगढ़ में मैनिफेस्टो लॉन्च होना है तब खुद मनीष सिसोदिया आए थे। तो आप देख सकते हैं बराबर की अहमियत चंडीगढ़ को दी जा रही है, भले ही ये एमसी इलेक्शन ही क्यों ना हो। और एमसी इलेक्शन के लिए और आप देख सकते हैं आज चंडीगढ़ 43 दशहरा ग्राउंड में खुद 2:30 बजे करीब अरविंद केजरीवाल की रैली होगी जिसमें वो आएंगे और लोगों से मिलके जाएंगे। तो इस चीज तौर पर आप देख सकते हैं कि एक बहुत मेजर स्टेप है और एक बहुत मेजर इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए अगर हम बात करें तो चंडीगढ़ में अगर एमसी इलेक्शंस की हम बात करते हैं तो मेजर इन्फ्लुएंस पिछली बार का हम कंसिडर करें तो बीजेपी का था। मैक्सिमम सीटों पे अगर किसी के पास कोई एमसी इलेक्शन जीता था तो बीजेपी का था। और कुछ गिनी चुनी सीट्स पे ही हम कह सकते हैं कि कांग्रेस नजर आई थी। पर अब सवाल ये कि अब जब से आम आदमी पार्टी की वेव नजर आने लगी है चंडीगढ़ में, अगर हम कह रहे हैं एक मेजर कंटेंडर के तौर पे, अगर हम देखें आमतौर पे जहाँ पे इलेक्शन माने जाते थे कि सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, तो अब एक मेजर गेम चेंजर के तौर पे आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। तो सवाल ये होता है कि आखिर किसका पलड़ा भारी होगा, क्योंकि चुनाव कुछ दिनों में ही है। अगर हम कहें 24 तारीख को वोटिंग है तो कुछ गिने चुने दिन ही रह गए हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि 3 दिन ही रह चुके हैं। और उससे पहले खुद अरविंद केजरीवाल यहाँ चंडीगढ़ आकर अपनी एक मेजर वादा पूरा करेंगे, लोगों के बीच में कुछ और बड़े वादे कर सकते हैं। अब ये देखना होगा इसे लोग कैसे एक्सेप्ट करते हैं। जी अमित, आज जो चुनावों को लेकर जो कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के, उनको जीत का मंत्र देंगे। इस दौरान जो जोश भरने का काम केजरीवाल करेंगे, अभी तक इससे पहले भी वो पंजाब के दौरे पर कई बार रह चुके हैं और आज वो जब चंडीगढ़ के दौरे पर हैं उस समय में क्या लगता है कि क्या अहम जानकारी और या फिर क्या वो आज की योजना जो है उनकी लगातार जो गारंटी है वो दे रहे हैं, योजनाएं बता रहे हैं, आज क्या वो चुनावी वायदा कर सकते हैं? देखिए आज अगर हम कहें कि वो वादे कम जो उन्होंने वादे रिपीट किए जा रहे हैं, जो खुद 20,000 लीटर फ्री पानी, कई अन्य सुविधाओं की बात की गई जैसे 24 घंटे पानी, पानी के रेट पुराने वाले रखे जाएंगे, उन सब चीजों को लेकर बातचीत करेंगे और चीज रिपीट करेंगे। देखिए वादों का दौर निकल चुका। अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो कुछ महज 3 दिन बाद ही वोटिंग होनी है, तो ऐसे में कोई मेजर बड़े वादे अब करने के लिए नहीं है। अब बात यह है कि जो वादे पहले किए गए हैं उन्हें दोबारा से सुपर इम्पोज किया जाए, लोगों को उनके बारे में दोबारा से बताया जाए और वो ये चीज करते हुए अब अरविंद केजरीवाल नजर आएंगे। क्योंकि देखिए हमें याद रखना चाहिए कि स्टार पेस भी है, वो एक मेजर अगर हमें आम आदमी के सुप्रीमो भी है, तो उनके द्वारा खुद आके चंडीगढ़ देखिए वो खुद आकर लोगों से उनके लिए वादा करके जाएंगे कि हम जो दिल्ली में दिल्ली मॉडल है वही हम चंडीगढ़ में लाएंगे और वही चीज हम आपको देना चाहते हैं। तो इसका एक काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है, लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लोग उम्मीद लगा के बैठे। देखिए चंडीगढ़ पहले ही तो सिटी ब्यूटीफुल है, वहां पे लोगों को एमसी से बहुत एक्सपेक्टेशन है कि चंडीगढ़ की एमसी काफी ज्यादा अगर हम के एक्टिव होती, चाहे सड़क बनाने की, चाहे साफ सफाई रखने की, चाहे नई कंस्ट्रक्शन को लेके हो गया, चाहे ईडब्ल्यूएस घरों के गरीबों के लिए काम करने के लिए, तो उसमें काफी ज्यादा एक्टिव है चंडीगढ़ एमसी। पर सवाल ये होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज का मेजर इन्फ्लुएंस रहता है, तो अब सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी को लोग मौका देंगे या नहीं। क्योंकि देखिए अगर हम बाहर से देखते हैं, अगर हम लोगों का ब्लाइंड ओपिनियन लेते हैं तो उसमें नजर आ रहा है कि हाँ लोग एक्सपेक्ट करें, लोग चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी आए। पर क्या ये सिर्फ अगर हम कहें कि सिर्फ अपर फेस है या फिर क्यों हम कहें कि जो ऊपर ऊपर से लग रहा है, अंदरूनी चीजें इलेक्शन के नजदीक ही हम कहेंगे वोटिंग के बाद ही अगर हम क्लियर हो पाएगी। पर अभी भी सवाल ये होता है कि अगर हम बीजेपी से बात करते हैं तो बीजेपी सीधे तौर पे बोल रहे हैं कि हम सभी के सभी 36 की 36 सीटें जीतेंगे। पर सवाल ये है कि पिछली बार भी उन्होंने वादा किया था जब एक उनकी पूरी वेव थी, पर तब भी उनके हाथ से 3 सीटें चली गई थी। पर सवाल ये है कि क्या अब भी वो रिपीट कर पाएंगे, क्योंकि अगर पिछला टर्म भी वो रिपीट कर लेते हैं तब भी एक मेजर पावर अबव 30 सीट अगर वो लेके जाते हैं तब भी बीजेपी का पूरा इन्फ्लुएंस चंडीगढ़ में देखने को मिलेगा। जी अगर 30 से ज्यादा सीटें होंगी तो उनका इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा, लेकिन समीकरण क्या कहते हैं अमित, फिलहाल जो आप जमीनी हकीकत पर देख रहे हैं, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी उतर रही है चुनावों में, क्या समीकरण बताते हैं चुनावों को लेकर? देखिए अभी हम बात करें तो काफी मिला जुला समीकरण है और सबसे ज्यादा फायदे में कोई पार्टी नजर आ रही है तो वो एक्चुअल में ही आम आदमी पार्टी। और इसका मेजर रीजन हम कह सकते हैं कि कांग्रेस से टूटे हुए नेता। जी हाँ, कांग्रेस के कई दिग्गज चेहरे जो पहले पार्टी के साथ थे पर टिकट न मिलने से नाखुश होके पार्टी से अलग हो चुके हैं। जी हाँ, काफी ज्यादा नाखुश लोग थे वो जो कांग्रेस से थे, क्योंकि कई बार एक्सपेक्ट किया जाता है इस बार एक मेजर लीड पे कांग्रेस नजर आएगी। पर कांग्रेस के कई ऐसे लीडर्स हैं जिनको सीट्स नहीं मिली, जो लगातार कंटेस्ट करते रहे, जो लगातार काम करते रहे, उन्हें सीट्स नहीं मिली है, तो नाखुश होके कुछ आम आदमी पार्टी में चले गए हैं, तो कुछ अगर हम कहेंगे सेपरेट इलेक्शन लड़ रहे हैं।
और वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के ज्यादातर जितने भी लीडर्स थे जो नाखुश थे उन्हें मना लिया गया, उनसे बकायदा अपने नॉमिनेशन वापस ले लिए गए। तो बीजेपी अभी भी एक कंबाइंड फ्रंट में नजर आ रही है, कांग्रेस काफी हद तक कमजोर होती हुई नजर आई। तो वहीं जो आम आदमी पार्टी जिसको सबसे ज्यादा गेन होता हुआ नजर आया, तो देखिए एज अ फर्स्ट टाइम कंटेंडर अगर हम बात करें तो भले ही आम आदमी पार्टी एक मेजर रोल पे ना आए, पर कहीं ना कहीं ऑपोजिशन के रोल पे वो चंडीगढ़ में आती हुई नजर आ सकती है। पर सवाल ये होता है कि क्या वो उसे मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि सवाल यहीं पे आके अटकता है कि कंटेस्ट में उनके बीजेपी से भी टूटे हुए नेता आए हैं, अगर हम कहें कांग्रेस से भी टूटे हुए नेता आए हैं, पर सवाल ये है कि क्या वो रिटेन होंगे या फिर इलेक्शंस तक ही है। क्योंकि कई ज्यादातर ये देखने को मिला है, इधर पंजाब के एग्जाम्पल ले लें तो कई MLPs MLAs दुख अगर हम कहें कि आम आदमी पार्टी से दुखी होके अलग हो गए, तो क्या यहाँ पर भी चंडीगढ़ में भी ये चीज रिपीट होते हुए नजर आएगी? और अगर ऐसा नहीं होता है तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल पंजाब के लिए सेट हो जाएगा, पर अगर ऐसा होता है तब भी आम आदमी के लिए पंजाब में एक बहुत गलत मैसेज जाएगा। क्यों देखिए चंडीगढ़ में ही ये अपने आप को नहीं संभाल के रख पाए तो क्या पंजाब में संभाल के रख पाएंगे? तो दोनों ही प्रोज एंड कॉन्स है। तो आम आदमी पार्टी के लिए चंडीगढ़ एमपी अमित, यहाँ पर इलेक्शन देखिए काफी आम खास आदमी बन जाते पार्टी का हैं। ही जिक्र बार बार हो रहा है कि आम आदमी पार्टी लगातार सक्रिय चल रही है चंडीगढ़ में भी और पूरे पंजाब में भी। तो क्या लगता है, क्योंकि इन चुनावों को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, अगर आम आदमी पार्टी यहाँ पर बाजी मारती है तो क्या कयास लगाए जा सकते हैं कि आगामी जो विधानसभा चुनाव होंगे पंजाब में उसमें आम आदमी पार्टी अपना बोलबाला कायम कर सकती है? जी बिल्कुल, देखिए अगर जब हम कंसिडर करें चंडीगढ़ एमसी इलेक्शंस को एज सेमीफाइनल, तो वो एक इन्फ्लुएंस वो जरूर दिखाएंगे। देखिए आम आदमी पार्टी जरूर इस पॉइंट को बार बार उठाएगी कि पंजाब एंड हरियाणा की कैपिटल जो चंडीगढ़ मानी जाती है उसमें आप देखिए कि हमें चुना गया, लोगों ने हमें चुना है। वही उसी चीज को लेकर वो लोगों के जो है दिल्ली का एग्जाम्पल लेंगे, चंडीगढ़ का एग्जाम्पल लेंगे और उसके बाद पंजाब में जाएंगे कि देखिए हमें हम पे लोग विश्वास करते हैं, पर इसका फायदा उन्हें जरूर मिलेगा। इसे भले ही लीड में ना आए, पर अगर हम कहें सीधे तौर पे कि नेता विपक्ष या फिर लीडर ऑफ ऑपोजिशन आम आदमी पार्टी इजिली बन सकती है। सवाल ये उठता है कि वो अपना वोट शेयर कैसे कंट्रोल करेगी, सवाल ये है कि क्या वो अपने नेताओं को रिटर्न कर पाएगी कि नहीं, क्योंकि देखिए रिटेनिंग पावर मेजर है। अब तक अगर हम कहें कि मेजर फेस अभी तक नहीं दे पाए हैं, सीएम चेहरा अभी तक नहीं दे पाए हैं, जिसको लेके अभी भी लोगों में अगर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में कोई भी अगर हम कहें कि लोग विश्वास नहीं कर पा रहे, वो इसलिए कि अपना सीएम चेहरा नहीं दे पा रहे। बाकी बड़ी पार्टी की हम बात करें उन्होंने भी अनाउंस नहीं किया, पर बात ये होती है कि बाकी बड़ी पार्टियों के जो हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं लोग ऑलरेडी एक्सपेक्ट करते हैं कि इनके स्ट्रक्चर इस नजदीक को अनाउंस कर देंगे, पर आम आदमी पार्टी शुरू से लेकर एंड तक अपना मेन जो फेस है वो अनाउंस नहीं करती है, जिसका उनको बहुत ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इस बार में भी अब तक कोई अगर हम कहें कि भगवत मान के नाम को अनाउंस करने की बार बार चर्चा चली है, पर अब तक अनाउंस नहीं हुआ है। वही बात है कि कोई भी सीनियर लीडर से भी अगर बात की जाए तो भी वो बोलते हैं कि हमारा नाम रेडी है, बस हम अनाउंस नहीं करेंगे। तो सवाल ये उठ जाता है कि अगर आपके पास नाम रेडी है तो आप अनाउंस क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर आपके पास नाम रेडी होता तो आप अब तक अनाउंस कर चुके होते। लेकिन तो इसमें अभी फायदा फिलहाल जो देखा जा जी रहा है अमित, वो यही देखा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो खुद अपने ही हाथ में सारे बागडोर संभाले हुए हैं। कितनी बार भी वो दौरे पर आए हैं, कितनी बार भी योजनाएं गारंटी दी गई, वो खुद यहाँ पर आए और योजनाएं दी। क्या सिर्फ भगवंत मान का नाम जो है, अभी 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 बात भी ये उठी थी कि वो भी पार्टी छोड़ सकते हैं, नाराज चल रहे हैं, ये बात भी सामने आई थी। तो क्या ये कहा जा सकता है कि पंजाब में सीएम का चेहरा भगवंत मान के अलावा कोई है ही नहीं केजरीवाल के पास? देखिए ये एक बहुत बड़ा प्रो भी फैक्टर है और कॉन भी फैक्टर है आम आदमी के लिए कि सभी मेजर वादे अरविंद केजरीवाल खुद आके पंजाब में करते हैं। इससे पार्टी के हाईकमान का पंजाब में पूरा आम आदमी का पूरा सपोर्ट नजर आता है, पर साथ साथ ये भी मैसेज आता है कि पंजाब में कोई लीडर अभी है नहीं जो ये मेजर अनाउंसमेंट कर सके। तो देखिए लोगों को सपोर्ट, कुछ लोगों को अगर हम ये देखेंगे उसे एज पॉजिटिव भी देखते हैं, पर कई लोग इसको नेगेटिव भी देखते हैं। क्यों पंजाब के नेताओं पर ट्रस्ट नहीं किया जा रहा? क्या आम आदमी पार्टी अपने पंजाब के नेताओं पर विश्वास नहीं रखती है कि वो इन सभी मेजर अनाउंसमेंट्स को कर सके? जब उनसे यही सवाल पूछा गया, जब मैंने लीडर ऑफ ऑपोजिशन हरपाल चीमा से ये सवाल पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल हमारे सुप्रीमो है और कोई भी मेजर डिसीजन है तो उनका हक बनता है कि वो आके अनाउंस करे, क्योंकि पार्टी वर्कर्स यही चाहते हैं, पार्टी वर्कर्स की ये डिमांड है। पर सवाल आम जनता ये उठाती है कि आखिर जब हमने नुमाइंदे पंजाब से चुनने हैं जो पंजाब को रिप्रेजेंट करेंगे, जो पंजाब के लिए ही काम करें, पंजाब की, तो आखिर पंजाब के लिए वादे वो क्यों नहीं अनाउंस कर सकते? ठीक है, हाँ अरविंद केजरीवाल आए वो साथ में, क्यों नहीं वो साथ में खड़े हो, पर वादे पंजाब के लोग को करने चाहिए। जी
ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी के लिए। तो अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। मुंबई के गोरेगांव पूर्व आरए पुलिस ने राशन की दुकान में गरीबों के लिए खाद्य की कालाबाजारी में कथित संलिप्तता के आरोप में 20 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने 24 लाख रुपए मूल्य के 1200 बोरियां गेहूं और चावल के जब्त किए हैं। डीसीपी सोमनाथ खारगे ने पत्रकारों को बताया कि इसकी जानकारी आरे कॉलोनी पुलिस को मिली है कि आरके यूनिट नंबर 2 में अवैध रूप से सरकारी राशन की बोरियां रखकर कालाबाजारी करने की जानकारी मिली है, जिसके बाद आरे पुलिस स्टेशन की सीनियर PI ज्योति देसाई के मार्गदर्शन में PSI खोलम और उनकी टीम को पुलिस ने छापेमारी कर वहां रखे गोदाम से 1200 राशन की बोरियां बरामद की है। सरकारी राशन की बोरियों से दूसरी बोरियों में राशन की भरकर रेस्टोरेंट, होटल और अन्य किराने की दुकानों पर बेचने का सिलसिला लगातार जारी था। इसका मुख्य मास्टरमाइंड मयूर गोसावी फरार है। पुलिस ने 20 लोगों को हिरासत में लिया, जिसमें 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी लोगों से पूछताछ की जा रही है। आरे पुलिस स्टेशन के अंदर एक टिप मिला कि एक गोडाउन है और वहाँ पे बहुत सारी रेशन की जो गेहूं और चावल की गोनी पड़ी है गोडाउन में और वहाँ ट्रक अनलोडिंग हो रहा है। आरे पुलिस स्टेशन की सीनियर PI श्रीमती ज्योति देसाई और उनकी टीम ने यहाँ पर छापा मारा। यहाँ पर रेशनिंग कंट्रोल के इंस्पेक्टर्स को बुलाए और जॉइंटली पंचनामा करके यहाँ पर जितना भी माल था वो ताबे में लिया है। इसमें राइस और चावल के जो माल है वो तकरीबन 24 लाख का है और यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं, वहाँ के मैनेजर्स हैं, ऐसे 20 से ज़्यादा लोगों को हमने ताबे में लिया है और इसी एक्ट के तहत उनके ऊपर गुनाह। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल जिस तरीके से राशन की ब्लैक मार्केटिंग का ये मामला सामने आया है, इसमें क्या कुछ अहम जानकारी और पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? बिल्कुल मुस्कान जी, देखिए बहुत बड़ी कार्रवाई है। हालांकि यह मामला बहुत बड़ा है क्योंकि जिस तरह से 1200 बोरियां जो सरकारी बोरियां जो सरकारी राशन है वो एक गोडाउन में रखा गया था, जहां पहले ही मुंबई ये आरे पुलिस को जानकारी मिली थी कि कुछ लोग हैं जो सरकारी राशन की कालाबाजारी करते हैं। मुंबई की आरे पुलिस ने छापेमारी की, जिसके दौरान 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक यहां करीब गेहूं और चावल की करीब 1200 बोरियां बरामद की गई, जो सरकारी गोडाउन से लाई गई थी, यानी कि FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जहां सरकारी राशन जमा किया जाता है आपातकालीन स्थिति में लोगों को पहुंचाने के लिए। वहां का यह राशन है, बाकायदे लोगों भी सरकारी मिला है और तमाम बोरियां भी मिली है। ऐसे में माना जा रहा है कि जरूर कोई न कोई सरकारी अधिकारी इस पूरे मामले में संलिप्त है। फिलहाल 5 लोगों को जो गिरफ्तारी की गई है, उनमें और लोगों की गिरफ्तारियां हो सकती है, इसलिए लिहाज से मुंबई की आरए पुलिस लगातार जांच कर रही है। लेकिन जो मुख्य आरोपी है मयूर गोसावी, वह फरार है, क्योंकि मयूर गोसावी के इशारे पे ही मुंबई के आरए में इस तरह के जो है कालाबाजारी का गोरख धंधा चलाया जा रहा है। सत्यप्रकाश, फिलहाल हमने तस्वीरों में भी देखा कि 1200 बोरियां वाकई बहुत ज्यादा सरकारी राशन ये है जिसकी कालाबाजारी की जा रही थी, यानी कि सीधे तौर पर सवाल तो सरकार पर भी उठते हैं। यहाँ पर जिस तरीके से आपने खुद कहा कि कोई भी अधिकारी मौजूद हो सकता है, तो पुलिस जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है उसमें शक की सुई किस पर घूम रही है? जी देखिए, बिल्कुल सही बात है मुस्कान जी कि अगर इतनी बड़ी संख्या में सरकारी राशन बरामद होते हैं तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं ये आम जनता के से जुड़े तमाम सवाल खड़े होते हैं और हर सरकार के लिए सवाल खड़े होते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में राशन आया कैसे। दूसरी बात, अब तक किसी सरकारी अधिकारी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। ऐसे में सरकार के किसी भी मुलाजिम को गिरफ्तार करना बेहद जरूरी होगा जो पूरे मामले में संलिप्त है, क्योंकि किसी अधिकारी की संलिप्तता के बगैर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से यह राशन आरे कॉलोनी में नहीं पहुंच सकता। लिहाज कई लोगों की इसमें मिलीभगत है और इस मिलीभगत के तहत ही इतनी बड़ी जो है कार्रवाई हुई है। फिलहाल ये अब देखने वाला होगा, बात यह होगी कि जिस तरह से सरकारी अधिकारी इस पूरे मामले में संलिप्त थे, इसके अलावा क्या ऊपर से कई ऊपर के जो तमाम बड़े अधिकारी होते हैं उनकी भी संलिप्तता है या नहीं। लेकिन यह तो तय है कि यह जो राशन बरामद किया गया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
गोडाउन बनाया गया है, वहां ये पूरे राशन जो रखे जाते थे वो आपातकालीन स्थिति के लिए रखे जाते हैं, यानी कि काफी लंबे समय से यहाँ जो है रिजर्व करके रखा जाता है। मुंबई महाराष्ट्र में अगर कोई स्थिति बिगड़ती है तो वहां पहुंचाया जाता है, लेकिन इस तरह की स्थिति जो अब सामने आई तो जाहिर तौर पर ये बड़ा विषय है, बड़ी गिरफ्तारी भी हो सकती है और बड़े लोगों का नाम भी सामने आ सकता है। फिलहाल सत्यप्रकाश पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची? देखिए पुलिस लगातार जांच कर रही है कि आखिरकार यह राशन किस वक्त मंगाया गया और कितने समय से मंगाया जा रहा था। जानकारी के मुताबिक यह जो राशन बरामद किया गया वह तमाम बड़े बड़े होटलों में, रेस्टोरेंट में, बड़ी राशन की दुकानों में ब्लैक मार्केटिंग के जरिए पहुंचाया जाता था, वहां से बड़े दामों में इसको बेच दिया जाता था, जिसका पूरा मुख्य सरगना जो है मयूर गोसावी जो अभी भी फरार है। मयूर गोसावी जो शख्स है जिसका नाम बार बार सामने आ रहा है उसके बारे में भी बताएं। देखिए मयूर गोसावी मुंबई के आर्य कॉलोनी में कई गोडाउन भाड़े पर लेकर लोगों को देता है और उसकी बड़ी कमाई करता है। तो जैसे में जानकारी मिली है कि मयूर गोसावी हो सकता है जो लगातार राशनिंग अधिकारियों से मिलकर वहां से राशन उठाता था, ट्रक को लाकर अपने गोडाउन में रखता था। गोडाउन में तमाम 20-25 जो कर्मचारी हुआ करते थे वह सरकारी राशन की गोनियों से निकालकर अपनी निजी प्लास्टिक की गोनियों में उसको भरते थे और एक नाम देकर उसको जो मार्केट में सप्लाई करते थे, जिसके बदले ज्यादा संख्या में पैसे उगाही करते थे। तो इस तरह की खुलासे अभी फिलहाल मुंबई के आर्य पुलिस ने किया है, लेकिन इस पूरे प्रकरण में मुंबई डीसीपी सोमनाथ खारगे और ज्योति देसाई के अलावा कोलम जो अधिकारी हैं उन्होंने बड़ी कार्रवाई किया। हालांकि काफी लंबा वक्त लगा, काफी लंबे समय से इसकी जांच पड़ताल की जा रही थी कि ये जो प्रकरण चल रहा है वो काफी लंबे समय से चल रहा है, लेकिन चूंकि राजनीतिक दबाव के चलते कार्रवाई जल्दी नहीं हो पा रही थी, लेकिन फिलहाल यह कार्रवाई हुई और गिरफ्तारियां भी की गई। ठीक है सत्यप्रकाश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से ये मामला सामने आया है इसमें देखना होगा कि आगे किस तरीके की कार्रवाई होती है।